हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और नई भर्ती की अपडेट, जो कि आपकी निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की तरफ से। दोस्तों, यहां पर टोटल 60,244 पदों पर यह भर्ती निकली है। ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है। कोई भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी कोने से है, मेल हो चाहे फीमेल हो, इस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इसमें आयु सीमा में भी छूट बढ़ा दी गई है। पूरा हम डिटेल में नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। ये मेरा फ्रेंड है जो कि सिलेक्टेड है इन 2019 यूपी पुलिस राघवन सिंह तोमर अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने क्लियर किया था। किस तरीके से क्लियर किया, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके समय में क्या हुआ था, मेडिकल कैसे हुआ था, फिजिकल कैसे हुआ था, ज्वाइनिंग प्रोसेस में क्या था, पूरा कुछ डिटेल में, सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग में कितनी मिलती है, ट्रेनिंग में कहाँ भेजा जाता है, पूरा कुछ डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ये सारी जो डिटेल है वो लिखी हुई है उसको जानने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में दोस्तों हम जो डिटेल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल 2023 के लिए, जिसमें हम अप्लाई डेट देखेंगे, फीस क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी यानी काम क्या करना पड़ेगा आपको, पोस्ट तो मैंने बता ही दी है, क्वालिफिकेशन यानी क्या योग्यता मांगी गई है, सिलेबस क्या रखा गया है, एज कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा यानी आप जब फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, सैलरी आपको कितना मिलेगी, इन हैंड कितनी मिलेगी, कार्ड पीट के कितनी मिलेगी वो बताऊंगा, ट्रेनिंग के समय कितनी मिलेगी, उसके बाद कितनी मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ, जॉब लोकेशन कहाँ पर आपको काम करना होगा और किस तरीके से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यूपी पुलिस बोर्ड की वेबसाइट पर डाला हुआ है, जो कि 23 दिसंबर को आपका जारी किया गया था। आज हो रही है 27 दिसंबर और आज से इसके जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जाइए इसके फॉर्म भर दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए, यूपी पुलिस की भर्ती है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने निकाली फिर से। और ये है मेरा फ्रेंड जिसका नाम है राघवन तोमर, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल श्री राघवन तोमर क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो जो हमारे राघवन भैया हैं उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्लियर किया पहले ही अटेम्प्ट में, ये इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। किस तरीके से इतनी जर्नी रही है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, जब इन्होंने फॉर्म भरा उसके बाद से क्या क्या प्रोसेस हुई, पूरा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। सैलरी इनको ट्रेनिंग के समय मिली, ट्रेनिंग में कहाँ भेजा गया था, मेडिकल इनका किस तरीके से हुआ था, क्या क्या इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आगे आने वाले वीडियोज में इनका हम इंटरव्यू लेंगे, जिसमें आपको बताएंगे पूरा अभी के समय, वर्तमान समय में क्या इनकी ड्यूटी रहती है, कितना घंटे काम करना होता है, छुट्टी कितनी मिलती है, सारा कुछ इसका डिटेल में बताएंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलिए देखिए, इनकी जो ड्यूटी है, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये ड्यूटी कर रहे हैं अपनी गन पकड़े में, देखिए है ना, और ये इन्हें देखिए कितने हैंडसम बंदे हैं, ठीक है। चलिए, और ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन है, मैं एज अ JSA हूँ इन नवोदय विद्यालय में, ये मैंने जॉब छोड़ दी, अब मैं एज अ इंडियन रेलवे हूँ इन सीनियर क्लर्क, ठीक है, इंडियन रेलवे में सीनियर क्लर्क जॉब मैं करता हूँ। चलिए, यहाँ पर हम दोस्तों यूपी पुलिस का सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, यानी कि जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद क्या क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले आपसे फॉर्म भराया जाएगा, जब आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी यानी कि रिटर्न एग्जाम होगा, OMR बेस्ड ये आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यानी कि आपको पेपर और कॉपी पर ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मापतौल, जिसे हम फिजिकल मापतौल कहते हैं, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट होगा आपका, हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह नापी जाएगी। उसके बाद आपका दौड़ होगा, रनिंग होगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन उसकी आपके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस में टाइम लगता है। चलिए, सबसे पहले हम अप्लाई करने की डेट देख लेते हैं, यानी कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आज की डेट से, और इसके जो लास्ट डेट है वो 16 जनवरी 2024 रखी गई है। वहीं अगर फीस जमा करने की आखिरी डेट देखें तो वो 18 जनवरी रखी गई, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुए, 27 दिसंबर से, लास्ट डेट रखी गई है 16 जनवरी। चलिए, और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि एक न्यू अपडेट इस बार हमें देखने को मिली है। क्या है वो न्यू अपडेट, कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या मूल निवासी हो गया, या कुछ भी चीज़ मांगी जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो उसे आपको डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना होगा। पहले आपको उसे डिजी लॉकर में लेना होगा, उसके बाद उसे जाकर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो ये तरीका अपनाना, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है, तो दोस्तों मैंने बता दिया 60,244 पोस्ट निकली है, भविष्य में इनके बढ़ने की संभावना है। अगर हम कैटेगरी वाइज देख लें कितनी कितनी पोस्ट निकली है, तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की जो निकली है वो 24,102 पोस्ट, EWS की 6,024, OBC की 16,264, SC की 12,650 और ST की जो है 1,204 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। चलिए,
देख लेते हैं दोस्तों एज क्या मांगी है, यानी कि कौन कितनी आयु के विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा आपको ओबीसी एससी एसटी में, जो भी मैं एज बताऊंगा। तो यू आर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होना चाहिए, ये डेट आप देख लेना, ठीक है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 18 से लेकर 25 साल तक की अगर आपकी आयु, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बट अभी इसमें एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। क्या है वो अपडेट, यहाँ पर देखिए, ये ऑफिशियल अपडेट है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि 3 वर्ष की छूट हम अतिरिक्त दे रहे हैं जो भी कैंडिडेट है, जिससे कि जो मेल कैंडिडेट है उनकी आयु सीमा बढ़कर 18 से 25 साल हो चुकी है, और जो फीमेल कैंडिडेट है 18 से 28 साल, यानी कि जो भी कैंडिडेट मिनिमम 18 का है और मैक्सिमम 25 साल का वो इसका फॉर्म भर सकता है, महिला 18 से लेकर 28 साल तक की इसका फॉर्म भर सकती है। भाई कोई भी कैंडिडेट एससी से एसटी से ओबीसी से बिलोंग करता है उसको 5 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी के मेल कैंडिडेट की जो एज रखी गई है वो 18 से 30 साल और फीमेल की 18 से 33 साल यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है। चलिए फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोई भी कैटेगरी हो आपको 400 रुपये इसकी फीस देना होगी जब आप इसका आप फॉर्म भरने जाएंगे तो, ठीक है। इसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया नहीं दिया गया कि एससी को इतनी एसटी को इतनी, केवल 400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। ओके दोस्तों योग्यता देख लेते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी है, कौन सी आपकी क्वालिफिकेशन लगेगी। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें, अगर कोई भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करता है और अगर उसने 12th पास कर रखी है तो वो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए शैक्षिक अर्हता, यानी कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा 10वीं एवं 12वीं की कक्षा उत्तीर्ण या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, ठीक है। और कोई भी विद्यार्थी जो कि अभी इस साल 12वीं में है या 12वीं पास कर चुका है, उसके पास मार्कशीट नहीं है, वो इसका फॉर्म भर नहीं सकता। 12th पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों इसके एग्जाम डेट की बात कर लें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, यानी कि इसका पेपर कब तक हो सकता है, संभावित तिथि क्या है। तो 11 फरवरी इसकी एक डेट बताई जा रही है और एक 18 फरवरी 2024 इसकी डेट बताई जा रही है। तो आपके पास मात्र 40 से 45 दिन का समय है, तो अभी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। आपको मेरे द्वारा इसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। अभी बताऊंगा कहां से आपको मैं तैयारी कराने वाला हूं, किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप इसका फॉर्म भरें तो आपके पास क्या क्या फिजिकल योग्यता है जो मांगी गई है वो आपके पास होना चाहिए। तो हाइट देख लेते हैं, कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए। तो कोई भी कैंडिडेट जो मेल है और जनरल से ईडब्ल्यूएस से एससी से या ओबीसी से बिलोंग करता है उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं फीमेल है जो कि इन कैटेगरी से बिलोंग करती है उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं हाइट की बात करें कि अगर आप मेल हैं और एसटी के विद्यार्थी हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, वहीं फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं मेल के लिए सभी कैटेगरी के लिए, तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर, इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है, इसलिए ये 79 से 84 हो जाएगा। वहीं एसटी कैंडिडेट ने तो 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं फीमेल के लिए चेस्ट की बात करें तो इनका चेस्ट नहीं नापा जाता है, इनके लिए वेट होता है जो कि आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 से ऊपर हो सकता है पर कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग 55 या 60 के 60 से नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके चलिए इसके बाद आपकी ये नापी जाएगी, उसके बाद रनिंग होगी। रनिंग में आपको जो मेल कैंडिडेट उनको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, और वहीं जो फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं उनको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ यहाँ पर करके दिखाना होगी, ठीक है। चलिए एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों कि जब आप इसका फॉर्म भर देंगे उसके बाद आपका पेपर होगा, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपके कुल 150 प्रश्न पूछे जाने वाले। चलिए इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, जिसे आपको इजीली समझना, ठीक है। तो 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, इससे 300 नंबर आपके हो जाएंगे, यानी कि 150 प्रश्न आएंगे इंटू 2, तो टोटल आपका 300 नंबर का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि 0.5 अंक की रहने वाली है, या 1/4 की हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स 2 का है, तो इसलिए 2 का 1/4 करेंगे तो 0.5 ही यहाँ पर देखने को मिले वाला है। टोटल टाइम आपका पेपर का रहेगा 2 घंटे, 2 घंटे में आपको 300 प्रश्न यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको 300 अंकों की परीक्षा होगी, टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे, 4 सेक्शन होंगे जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता होगी, तथा मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता होगी। 2 अंक एक क्वेश्चन के रहेंगे, और अगर गलत काटते हैं तो 0.5 का यहाँ पर आपका अंक काट लिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों सिलेबस देख लेते हैं कि आपका सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों सिलेबस का मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये इसका डिटेल सिलेबस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस 2023, जिसमें हमको सामान्य ज्ञान में क्या क्या टॉपिक पढ़ने ही है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा और भी आपके टॉपिक हैं जैसे रीजनिंग के, मैथ्स के, उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा इसका पीडीएफ है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहां से जाके आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का नीचे लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना, या डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर डाल देना, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अलग से मैंने बना रखी है, नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कितने कितने नंबर का आपसे सेक्शन पूछा जाएगा। तो जो हिंदी है दोस्तों आपकी 37 मार्क्स की पूछी जाएगी, और जो हिंदी का पेपर आता है काफ़ी ईजी आता है। जीके जीएस आपके 38 नंबर की पूछी जाएगी, ये भी काफ़ी ईजी आता है दोस्तों। और इसमें जैसे कोई लड़का सोच रहा है, कोई भी विद्यार्थी सोच रहा है कि यूपी के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है, यूपी के मात्र 4 से लेकर 5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, वो भी काफ़ी ईजी होते हैं। तो आपको घबराने की चिंता नहीं है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसका फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का होने वाला है। ठीक है, मेरे दोस्त ने दिया था, वो उसने बताया था कि इसका पेपर जो है काफ़ी ईजी आने वाला है, और हम आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको हिंदी की प्रिपरेशन कराने वाले हैं, जीके जीएस की, साथ ही साथ इसका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था वो भी हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में कराएंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर आया था, किस किस लेवल के इसके क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन पूरा हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस पेपर में यूपी पुलिस के जो पेपर होगा, इसमें जो गेम चेंजर साबित होता है वो होता है आपका रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आपका 37 मार्क्स आएगा, प्लस मैथ्स और रीजनिंग आपका 38 मार्क्स है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें भी 10 से 15 मार्क्स का आपका रीजनिंग घुसा हुआ है। तो रीजनिंग टोटल आपका लगभग 50 या उससे भी ज़्यादा मार्क्स का आपका पूछा जाता है, तो आपको रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग भी आपका यहाँ पर गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है, कुल यहाँ पर जो प्रश्न होंगे मैंने बता दिया, 150 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, और नंबर आपको टोटल 300 यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी की और जीके की तैयारी मेरे द्वारा द एग्जाम हेल्पर जीके मेरा सेकंड चैनल है, यहाँ पर मैं केवल जीके जीएस से जुड़ी जो तैयारी है वो कराता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या डायरेक्ट जाकर यूट्यूब पर सर्च मारेंगे द एग्जाम हेल्पर, वहाँ से आके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, सेकंड चैनल, जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर जीके, यहाँ पर पीडीएफ्स वगैरह फ्री कंटेंट जो भी होता है, कुछ वगैरह वो मैं डालते रहता हूँ, तो इसको भी जाके आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी फ्री पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था सिलेबस वगैरह, और इसका जो नोटिफिकेशन वो डाल दिया है, जो मेरा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर टेलीग्राम का, उसमें डाल चुका हूँ। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, या डायरेक्ट जाके सर्च मारेंगे तब भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, देखिए अब आपके पास मात्र 40 से 45 दिन बचे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? आप जितने हो सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मॉक टेस्ट आपको देना है। क्या देना है? ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना आप सिलेक्शन लेने वाले। तो आप मॉक टेस्ट किसके परचेस कर सकते हैं? तो दोस्तों ये है आपका टेस्ट बुक। टेस्ट बुक पर देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपको टोटल 473 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, और इतने यूपी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी आपको इसके अंदर मिलते हैं। देखिए टोटल 473 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आपको केवल मॉक टेस्ट बता रहा हूँ, जो रहेंगे 181 चैप्टर टेस्ट, 20 फुल टेस्ट, 35 सब्जेक्ट टेस्ट, और 22 करंट अफेयर के टेस्ट आपको मिलने वाले। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले आपको टोटल 7, और 51 आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट, और 157 यूपी पुलिस एसआई के प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले। एक ही पास में आपको ये सब मिलने वाला है। और क्या मिलेगा आपको एक पास में? एक पास में आपको टीचिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम चल रहे हैं, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 70,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर, 800 से भी ज्यादा एग्जाम एक पास में आपके कवर होते हैं। ठीक है, तो जाइए इसे परचेस कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको मंथली मिलेगा और ईयरली, मैं बोलूँगा आप ईयरली सजेस्ट करिए, क्योंकि आपके डेली ना कोई एग्जाम चलते रहता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए अभी ऑफर चल रहा है, वैसे 700 रुपये का पास है आपको, अभी 349 का मिल जाएगा, जो कि 25 से 28 दिसंबर इसकी सेल चल रही है। ठीक है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना। अगर इस पर भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड V1NAW47 डाल देना, यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप परचेस करेंगे वहाँ पर कूपन कोड मांगेगा, तो आप ये डाल देना, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए जल्दी से, टेस्ट बुक का ऐप डाउनलोड करके, और जल्दी से अभी से मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर पेपर देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। चलिए दोस्तों, जब आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी ज्वाइनिंग पेपर कर लेंगे, इसके अलावा आप दौड़ भाग कर लेंगे, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है? तो ये तीन चीज़ें मेजर चेक होती हैं, इन पर आपको ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं, वो मेरा दोस्त बता रहा था जो उसने देखा था वहाँ पर, कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनको आइज़ में आइज़ चेक होती है अच्छे तरीके से, नोकनी है ना, घुटने नहीं मिलने चाहिए, और फ्लैट फुट, फ्लैट फुट यानी कि आपका जो तलवा है वो चपटा नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज़ें विशेष तरीके से चेक की जाती हैं, सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो इन्हीं तीन चीज़ों में बाहर किए जाते हैं। तो इन तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सही करने की, दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसका फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, इसके अलावा कान चेक होते हैं, हाथ पैर टूटे नहीं होना चाहिए, ये चेक करते हैं वो, और सब अदर मेडिकल चेकअप होते हैं छोटे मोटे, जो कि आपके चेक करते हैं। पर मेन जो चीज़ होती है वो यही तीन चीज़ें होती हैं, जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स को बाहर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है,
तो ये चीज आप विशेष ध्यान रखिएगा। और चलिए चलिए, मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ कि कितना टाइम लगा था। तो देखिए, जनवरी 2018 में उसने फॉर्म भरा था, जून 2018 में उसका पेपर हुआ था, और इसके बाद उसका रिजल्ट आया था बीच में एक दो महीने के बाद, और उसका दिसंबर 2018 में DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद उसकी फिजिकल होती है और रनिंग होती है। कब होती है? जून जनवरी 2018 में जाकर, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में इसकी रनिंग होती है। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट आती है जिसमें फिर जो भी बच्चा पास होता है उसको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल के बाद एक और लिस्ट लगती है जिसके बाद उसमें उन विद्यार्थियों का नाम होता है जो कि सेलेक्ट होते हैं किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए जो मेरा दोस्त गया था वो गया था मई और जून में। तो दोस्तों, ट्रेनिंग पे जो मेरा दोस्त गया था वो गया था मई और जून में, उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 2019 में। तो 2000 जनवरी 18 से जून 2019 यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि 15 से 16 मंथ का यहाँ पर समय लगता है आपकी पूरी जो प्रोसेस होती है उसमें। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार जो आपकी प्रोसेस है 6 से 8 महीने में यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम भी कंप्लीट जल्दी हो रहा है और जो काफ़ी फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी आपको कितना मिलने वाला है। उससे पहले बता दूं कि इसके बाद मेरी अपकमिंग वीडियोस रहने वाली हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस की लेटेस्ट सैलरी मेरे दोस्त को कितनी मिलती है, अभी वर्तमान में इन हैंड क्या मिलती है, ग्रॉस कितनी मिलती है, उसका काम क्या रहता है, और बाकी उसके उनके जो फ्रेंड्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पोस्टेड है उनको क्या काम करना पड़ता है, HRA कितना मिलता है, रूम की फैसिलिटी क्या है, खाना वगैरह क्या मिलता है, मैस वगैरह क्या होती है, वो सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा था वो मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस बता दूंगा अलग से, जो यहाँ का नोटिफिकेशन में दिया गया उसको एलेबोरेट करके अच्छे से बता दूंगा। बेस्ट बुक्स एंड बेस्ट टीचर कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बना दूंगा, तो उसके लिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। सैलरी देख लेते हैं दोस्तों, तो वेतनमान आपको कितना मिलता है। तो दोस्तों ट्रेनिंग के समय मेरे दोस्त की जो ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों उड़ीसा में हुई थी, कहाँ हुई थी, उड़ीसा में, ठीक है। यूपी पुलिस के अलग अलग जगह सेंटर बने हुए हैं, देखिए अगर जो कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो उसे अदर स्टेट में भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, तो मेरे दोस्त को उड़ीसा में भेजा गया था ट्रेनिंग के समय, ठीक है। और इसकी जो पोस्टिंग जब ट्रेनिंग चल रही थी तो उसे 25,000 रुपये पर मंथ मिलता था, और उस समय यूपी पुलिस का जो बेसिक था वो 19,900 था, ये मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और जब इसकी पोस्टिंग हो गई थी तो इसे 27,000 पर मंथ मिलता था, बट अभी क्या है दोस्तों, करंट की अगर सिचुएशन देखें तो बेसिक पे बढ़ाकर 21,700 कर दिया गया, यानी कि अगर आप पोस्ट ट्रेनिंग के समय देखें तो लगभग ये आपको 27-28,000 मिलेंगे, और वहीं अगर पोस्टिंग हो जाएगी तो ये आपको इन हैंड जो मिलेगी 32,000 के अराउंड मिलने वाली है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोज़ में मेरे जो फ्रेंड है उसको वर्तमान में ग्रॉस कितना मिलता है, इन हैंड कितना मिलता है वो आपको बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप बोलेंगे तो एक इंटरव्यू हम ले लेंगे कि इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। चलिए, जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपका जॉब लोकेशन क्या होगा, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आपको पोस्टेड किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जॉब प्रोफाइल आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा कि क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है, लोकेशन मैंने बता दी कहाँ होगी, ऑल ओवर यूपी में, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, कितना आपको टाइम देना चाहिए, क्या आपकी स्टडी का टाइम टेबल लेना चाहिए, बेस्ट बुक, बेस्ट टीचर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। और मेरे द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, किस किस की, एक तो आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, एक GK GS की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए मेरा सेकंड चैनल जो है जिसका नाम है द एग्जामिनर GK, इसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह मैं डालते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, ये मेरा चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर GK, सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कीजिए, सेकंड चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट जाएंगे यूट्यूब पर तो सर्च मार के इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, एक दो दिन में आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा मेन चैनल है जहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देता हूँ या यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको यहाँ पर दूंगा, तो उसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।